तो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके? तो आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो आपका एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल मनीष मंडलोई में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार चलाना कैसे सीखे। अक्सर न्यू बिगनर ड्राइवर अपनी कार चलाने में कुछ गलतियां कर देते हैं और हड़बड़ी में कुछ गलत हो जाता है, जिससे उनके एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और आज के वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं कार ड्राइविंग लेसन के ऊपर, क्या क्या टिप्स होती है, और जो जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी वो आपके साथ ना हो, क्योंकि मुझे भी अभी कार लिए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, केवल मात्र 2 महीने हुए हैं। और धीरे धीरे मैं अपनी प्रैक्टिस के आधार पर गाड़ी सीख गया हूँ, और जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ आपसे नहीं हो। चलो बात करते हैं कार ड्राइविंग लेसन्स के बारे में। दोस्तों, अक्सर आप सोचते होंगे कि हम किसी अच्छे से ड्राइविंग स्कूल में अपना एडमिशन ले लें, या वहाँ पर हम अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर जो सिखाने वाले उन वो आपको अच्छे से गाड़ी सिखा देंगे, या आप सोचते होंगे कि हमारे पापा या बड़े भैया किसी की भी गाड़ी से हम उनके साथ बैठकर कार सीख सकते हैं। तो मैं कहूँगा आप कभी नहीं इस तरह से कार चलाना सीख सकते हैं। जब तक आप स्वयं अपनी कार को लेकर सड़क पर अकेले नहीं निकलेंगे, जब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। चलो आइए आप गाड़ी के अंदर, और आपको दिखाता हूँ पूरे बेस लेवल से, जीरो लेवल से किस तरह से आप कार चलाना सीख सकते हैं। चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी में बैठने के पहले सबसे पहले आपको अपनी सीट को एडजस्ट करना है, जिससे आपके पैर आसानी से एक्सीलेटर ब्रेक क्लच के ऊपर आसानी से पहुंच सके। और इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर नीचे रॉड दी जाती है, जिसकी सहायता से हम सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रॉड दी है, इसकी सहायता से हम अपनी सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। और जो पीछे बैक रेस्ट आता है उसको हम इस लीवर की सहायता से इतना सेट करें ताकि हमें गाड़ी का बोनट बड़ी आसानी से दिख सके सामने से। इस लीवर की सहायता से, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ आप देख सकते होंगे, तो इतना सेट करना है ताकि हमें अपनी गाड़ी का बोनट आसानी से सामने दिख सके। कि हमने अभी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और हमने हमारी सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, जिससे हम अपनी आसानी से पैरों को ब्रेक एक्सीलेटर क्लच का उपयोग कर सकते हैं। और ब्रेक रेस्ट को इतना हमें सेट करना है इस लीवर की सहायता से ताकि हमें गाड़ी का सामने का जो बोनट है वो बड़ी आसानी से दिख सके। और ये होता है गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग। इस स्टीयरिंग का उपयोग हम गाड़ी को राइट साइड टर्न लेने के लिए और लेफ्ट साइड टर्न लेने के लिए उपयोग करते हैं। इसे हम अपनी हाइट के अनुसार स्टीयरिंग को भी इस स्विच की सहायता से हम इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जब आप नए ड्राइवर हो, जब नई नई आप गाड़ी सीख रहे हो, गाड़ी लर्न कर रहे हो, तो आपको हमेशा स्टीयरिंग नीचे करके ही गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए, जिससे आपको सामने की जो रोड की स्पेस बड़ी सामने से क्लियर और अच्छी दिख सके। पर जैसा कि मैं अब गाड़ी चलाना सीख चुका हूँ, तो मैं इसको वापस उसकी सही पोजिशन पर सेट कर देता हूँ। चलो कर दो। अब नीचे हम बात करते हैं ABC। अक्सर आपने इस लेसन के बारे में सीखा होगा ABC। ये ABC होता क्या है, आज इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। A से होता है एक्सीलेटर, B से होता है ब्रेक, और C से होता है क्लच। इससे और आपको अपने पैरों को इस हिसाब से मैनेज करना है, आपको हमेशा अपने जो राइट साइड का पैर है उसको इस हिसाब से मैनेज करना है कि उस पैर से आप एक्सीलेटर और ब्रेक का उपयोग कर सकते हैं। और केवल जो आपका लेफ्ट हैंड का जो पैर है, इससे आप केवल गाड़ी का क्लच में उपयोग करेंगे। इस पैर से आप कभी भी ब्रेक को उपयोग नहीं करेंगे। इससे केवल आपको केवल क्लच को ही एडजस्ट करना है, इसको क्लच को ही चलाना है इस पैर से, और राइट पैर से आपको केवल एक्सीलेटर ब्रेक को ही करना है। हो गया। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। आप ये देख रहे हो यहाँ पर आपको एक लीवर देखने को मिलता है, जैसा कि मेरी गाड़ी में 5 गियर है। मेरी गाड़ी 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, जिसमें मुझे 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, और यह R का मतलब होता है रिवर्स। अब इसको समझ लेते हैं कि आपको इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे गियर शिफ्ट करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सबसे पहले गाड़ी में आप गाड़ी का न्यूट्रल चेक करें। न्यूट्रल चेक करने के लिए आप इसको राइट साइड, लेफ्ट साइड, अगर ये पूरा मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो आप समझ जाइए हमारी गाड़ी अभी न्यूट्रल में है। और फिर क्लच दबा के हम गाड़ी का फर्स्ट गियर डालने के लिए इसको राइट लेफ्ट साइड करेंगे जो फर्स्ट गियर, इसके बाद में इसे इधर की साइड करेंगे सेकंड गियर, इसके बाद में इसे बीच में ला के ऊपर करेंगे तो 3rd गियर, इसे जस्ट नीचे करेंगे तो ये 4th गियर, और इसको इधर करके हम ऐसे लगाएंगे तो ये 5th गियर लग जाएगा। आपको इस तरह से आपको गियर को फिक्स करना है। आपको गियर की प्रैक्टिस इतनी करना है कि आप आँख मिच के लगा सके, ये लग गया फर्स्ट गियर, ये लग गया थर्ड, ये लग गया फोर्थ, ये लग गया फाइव गियर, और ये हाँ। और एक बात आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपको बड़ा उसमें ऐसा लगता होगा कि चलती गाड़ी में रिवर्स गियर लग गया तो क्या होगा। तो मैं आपका डाउट एकदम क्लियर करने वाला हूँ, कभी भी आगे चलती हुई गाड़ी में रिवर्स गियर कभी नहीं लगता। रिवर्स गियर बस हमेशा खड़ी गाड़ी में ही लगता है।
आप इस बात पर टेंशन मत लो कि आप चलती गाड़ी में रिवर्स गियर लगेगा तो क्या होगा, कभी नहीं रिवर्स गियर लगता है। चलो ठीक है, जैसा कि आपने अभी गियर की प्रैक्टिस तो कर ही ली है, अब बात करते हैं हम एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच की। आपको इसकी प्रैक्टिस इतनी करना है कि आपका पैर सही जगह पर ही जाना चाहिए, क्योंकि जब ट्रैफिक में हम हमारी गाड़ी को चलाते हैं तो गलती से भी हमें हमारे जिस पैर से हम जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं उसी पर हमको एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच की प्रैक्टिस भी हमें उतनी ही बार करना चाहिए कि कभी भी हमारा पैर कभी किसी अन्य जगह पर ना जाए। जिस पैर से हम जिसका उपयोग करते हैं उसी पैर से हमें उसी का ही उपयोग करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अभी बताता हूँ आपको नीचे, जैसे कि अभी मैं क्लच, आपको इसलिए प्रैक्टिस करना है कि आप आंख बंद करके भी जब ट्रैफिक में आपकी बाइक चला कार चलाते हो तो आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको हमेशा क्लच एक्सेलेरेटर ब्रेक एक्सेलेरेटर और इसे क्लच इस पैर से आपको केवल क्लच का ही उपयोग करना है। इसकी प्रैक्टिस भी आपको कम से कम 50-60 बार करना है ताकि आप कभी भूले नहीं कि हमें किस पैर से किसका उपयोग करना है। जैसा कि आपने नीचे ABC की प्रैक्टिस करी ली है, गियर लगाने की प्रैक्टिस करी ली है, अब हमें यह सीखना है कि हमारी गाड़ी किसी भी सूरत में किसी भी हालत में हमारी गाड़ी बंद ना हो। इसके लिए अब क्या करना होगा मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी का न्यूट्रल चेक करना है, उसके बाद में आपको अपनी गाड़ी का पूरा क्लच को दबाना है और गाड़ी को स्टार्ट करना है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद हमें फर्स्ट गियर डालना है और हमारी गाड़ी का हमें हैंड ब्रेक जरूर डाउन करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैंड ब्रेक डाउन नहीं करते हैं और गाड़ी से जान लगवाया करते हैं, गाड़ी आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। इसके लिए जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट गियर लगा लिया, अपना क्लच दबा दिया और आपको बस इतनी प्रैक्टिस करना है कि हमारी गाड़ी बंद ना हो, इसे आगे करना है, फिर आपको वही क्लच दबा के पीछे हट कर कंटिन्यू। जैसे अभी मैंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया है, वैसे ही अभी क्लच दबा के अपनी गाड़ी में हम रिवर्स गियर लगाते हैं और हमें इतना अपना क्लच छोड़ना है कि हमारी गाड़ी किसी भी सूरत में बंद ना हो, बस इतनी ही गाड़ी की मूवमेंट आपको फील करना है। इसके बाद में फिर आपको फर्स्ट गियर लगाना है और फिर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है, उसके बाद में फिर अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर लगाना है और अपनी गाड़ी को पीछे की ओर करना है। बस इतनी ही मूवमेंट आपको करना है कि किसी भी सूरत में आपकी गाड़ी बंद ना हो। और यह प्रैक्टिस आप रोड पे नहीं, किसी भी जगह पे पार्क में या छोटी सी जगह में भी आप कर सकते हो इस प्रैक्टिस को। जैसे ही हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे ORVM को सेट करना चाहिए। बहुत से लोगों को ORVM सेट करना भी नहीं आता, जैसा कि आज आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ORVM सेट करना है। जैसे कि अभी बहुत से लोग इस तरीके से अपने ORVM सेट कर लेते हैं और अपनी ही गाड़ी को देखते रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको अपने गाड़ी के ORVM सेट करना है। जैसा देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको इतना सेट करना है कि आपकी गाड़ी के आपको डोर हैंडल बस दिखते रहें, बस इतना सेट करना है। यह है सही तरीका ORVM सेट करने का। इसके बाद में मैं आपको लेफ्ट साइड का भी दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर भी गलत सेट किया हुआ है, इसे भी हम सही करते हैं। जैसे इसे भी हमें इस तरीके सेट करना है कि हमारी गाड़ी के हमें केवल डोर हैंडल ही देखने को मिले। अब हमारी गाड़ी में सही हो चुके हैं हमारे ORVM सेट। इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी के IRVM। IRVM को भी इतना सेट करना है आपको कि आपकी गाड़ी का जो पीछे का भाग है, इस जो विंड सीट से आपको पूरा क्लियर दिख सके कि पीछे कोई वाहन तो नहीं है। इसलिए इन तीनों को इस तरीके से सेट करना है आपको कि आपको आपकी गाड़ी के पीछे का व्यू पूरा दिखे। ये गाड़ी में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है IRVM और IRVM और ORVM। इसी के आधार पर हम अपनी पूरी गाड़ी को देख सकते हैं साइड से, आगे से, पीछे से। गाड़ी स्टार्ट करने के पहले आपको हैंड ब्रेक जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से नए नए सीखने वाले जो अभी नई नई गाड़ियां सीख रहे हैं, कार सीख रहे हैं, वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और गियर फर्स्ट गियर डाल देते हैं और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अपना हैंड ब्रेक इंगेज करना भूल जाते हैं और गाड़ी से जान लगवाते रहते हैं कि भाई गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक डाउन करते हैं। अब बहुत से लोगों को डाउन करना भी नहीं आता है, तो आपको डाउन करने के लिए पहले इसको थोड़ा ऊपर की ओर खींचना होगा और जो आपको ये स्विच देखने को मिल रहा है इससे प्रेस करना है और ये इस तरीके से हम हमारी गाड़ी का हैंड ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी में हमें हैंड ब्रेक
लगाना रहता है तो हम हमारी गाड़ी का हैंड ब्रेक ऐसे खींच देते हैं, इससे हमारी गाड़ी में हैंड ब्रेक लग जाता है। फिर से डाउन करना दिखाता हूँ आपको मैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, इसको पुश करना है बटन को, ये इस तरीके से हम गाड़ी में हैंड ब्रेक डाउन करते हैं और लगाते हैं सीधे, जब आपको इसकी पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप आगे एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ, आप जब भी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाओ तो अपनी गाड़ी के आगे और गाड़ी के पीछे देख लो कि कोई आगे पीछे गड्ढा पत्थर या कोई जानवर तो नहीं बैठा है या कोई छोटा वाहन तो नहीं खड़ा है। और गाड़ी के नीचे भी आपको देखना है कि नीचे कोई जानवर तो नहीं बैठा है, इस तरीके से आप नीचे गाड़ी के नीचे भी चेक करना है, इसके बाद ही आपको गाड़ी आगे की ओर बढ़ाना है। जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करते हो तो सबसे पहले आपको गाड़ी में बैठते ही सही अपनी गाड़ी का सीट बेल्ट जरूर लगाना है, ये सेफ्टी का ध्यान आपको जरूर रखना है, कभी भी आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी को ड्राइव नहीं करें। अब हम क्लच को प्रेस करते हैं और ये हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट, हमने फर्स्ट गियर डाल लिया है। अब हम गाड़ी का अपना हैंड ब्रेक रिलीज कर देते हैं और अब हम गाड़ी को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, आप देख सकते हो ये हमारी गाड़ी आगे की ओर चल रही है। ये